मेजरमेंट ऑफ एंगल, देखिए एंगल जैसे एक पॉइंट, यहाँ पे एक लाइन ऐसी दी गई है, ठीक है, तो आप इसे दो तरह से, एक लाइन हमारी है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है, ठीक है। अब देखिए अगर एंगल आप ऐसे मेजर करते हैं तो ये एंगल पॉजिटिव होगा, एंगल क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज जब हम एंगल मेजर करेंगे तो जो एंगल की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव। सर बात क्लियर नहीं आ रही, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, अब सुनाई पड़ रही है, हेलो। अगर यहाँ पे जैसे एंगल ऐसे, एक लाइन ये है, जैसे ये एक तकती है, यहाँ पे एक लाइन दूसरी है, ये लाइन कुछ एंगल बना रही है ना यहाँ से, तो जब इस तरह से हम एंगल मेजर करेंगे, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कहने का अर्थ क्या हुआ कि घड़ी की विपरीत दिशा में जब हम मेजर करेंगे तो जो एंगल की वैल्यू आएगी वो हमें पॉजिटिव एंगल की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, पॉजिटिव एंगल मिलेगा। जब आवाज नहीं आ रही, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही, अब आवाज आ रही है, हेलो, हेलो, हाँ आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही सर, अभी आ रही है, हाँ जी अब आ रही है। ओके, तो देखिए एंगल हम दो तरह से मेजर करते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो मेजर करते हैं वो पॉजिटिव एंगल मिलता है, और जो क्लॉकवाइज करते हैं वो हमें निगेटिव मिलता है, उसकी वैल्यू हमारी निगेटिव में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निगेटिव एंगल मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में, जैसे एक पॉइंट है और ऐसी लाइन दिया गया, तो अगर इसी एक्स एक्सिस वाई, तो इस तरह से जो एंगल आप मेजर करोगे यहाँ से ऐसे, तो ये एंगल जो मिलेगा ये पॉजिटिव एंगल मिलेगा, और जब इसी एंगल को हम ऐसे मेजर करेंगे तो हमें निगेटिव एंगल मिलेगा। अब समझने का एक और तरीका है, जैसे ये देखिए लाइन है, अगर ऐसे आप मेजर करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव एंगल मिलेगा इस तरह से, जब हम इसको इस पॉइंट से हम ऐसे मेजर करेंगे तो ये हमें निगेटिव एंगल मिलेगा। सर वॉइस की प्रॉब्लम है, हेलो, हेलो सर अब आ रही है बात, जब तुम पढ़ाने लगते हो तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा अब देखिए, तो अब आ रही है आवाज, अब आ रही है सर, हाँ जी ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एंगल एक बार पॉजिटिव भी मेजर कर सकते हैं और निगेटिव वाइज भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्लॉक वाइज मेजर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, निगेटिव एंगल मिलेगा, और एंटी क्लॉक वाइज मेजर करेंगे तो हमें पॉजिटिव एंगल मिलेगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये ऐसा, ये दो लाइन ऐसी बनी हुई है, अगर इस पॉइंट से हम इधर को जाते हैं तो हमें पॉजिटिव एंगल मेजर होगा ये, ठीक है, और जब यही पॉइंट से हम ऐसे, ये पॉइंट ऐसे दिया गिवन है और ये दूरी ऐसी है, अगर इधर से हम इधर मेजर करेंगे हमें निगेटिव एंगल मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत जी? जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल मेजर करते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर एंगल करते हैं। अब देखिए एंगल मेजरमेंट करने के लिए दो यूनिट है, ठीक है, अब नहीं आ रही बात सर, एंगल मेजरमेंट करने के लिए दो यूनिट है, एंगल मेजरमेंट, पहला यूनिट है डिग्री, डिग्री सिस्टम, ठीक है, डिग्री सिस्टम, दूसरा है सर्कुलर रेडियन सिस्टम, ठीक है। एक को हम डिग्री में मेजर करते हैं और दूसरा हम रेडियन में मिलते मेजर करते हैं, ठीक है। एक मेजरमेंट है, आवाज आ रही है, अब आ रही है सर, ठीक है, ओके गुड। अब यहाँ पे देखिए मेजरमेंट ऑफ जो एंगल मेजर करते हैं वो दो दो सिस्टम है, एक तो डिग्री में मेजर करते हैं, दूसरा रेडियन में करते हैं। देखिए डिग्री में जो मेजर करते हैं उस यूनिट्स को हम सेक्सागेसिमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्सागेसिमल, ठीक है,
सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं। इसको हम सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब देखिए डिग्री को हम कैसे मेजर करेंगे और कितने की वैल्यू डिग्री होती है वो हम देखते हैं एक एक करके। तो डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका नोटेशन ऐसा होता है, डिग्री, डिग्री का डेफिनेशन क्या है? वन अपॉन 1/360 पार्ट ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ ए सर्कल इज नोन एज वन डिग्री, देखिए वन अपॉन 360th पार्ट ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ ए सर्कल इज नोन एज वन डिग्री, ठीक है। दूसरा मेथड है कि वन राइट एंगल, अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड डिग्री। देखिए इसका डेफिनेशन जो है दो तरह से हम मेजर करते हैं। एक पहला है कि वन रिवॉल्यूशन किए और उसका 1/360th पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, एक डिग्री का के बराबर हो गया। दूसरा कि वन राइट एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, 90 इक्वल पार्ट्स करेंगे और वो क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो यहां पे देखिए वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात समझ में आई? वन राइट एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, या 1/360th पार्ट ऑफ वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये बात दो तरह से हम मेजर कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे एक सर्कल है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री बनता है, इसके अबाउट कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। तो देखिए तो इसका वन पार्ट जो होगा 1/360th पार्ट जो किसके बराबर होगा, 1 डिग्री के बराबर होगा। यानी अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, देखिए 1/360th पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन इज 1 डिग्री, so one revolution is equal to 360 degree। ये बात समझ में आई जसनदीप? हेलो जसनदीप, हाँ जी जसनदीप, ये बात समझ में आई कि 1/360th पार्ट ऑफ वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो वन रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 360 डिग्री के। ये बात समझ में, देखिए 1/360th पार्ट ऑफ वन रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है, 1 डिग्री। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसके बराबर होगा, 360 डिग्री बराबर। दूसरा हमने पढ़ा था कि वन राइट एंगल किसके बराबर होगा, वन राइट एंगल 90 पार्ट और 90 पार्ट यानी 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। जनरली यही मेजर करते हैं कि वन रिवॉल्यूशन 360 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नौसीरत, आपको इसमें दिक्कत है? ठीक है, अब हम बात, हाँ जी ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो डिग्री होगा, डिग्री से भी छोटा यूनिट्स होता है, यस
तो वन डिग्री जो होता है, वन डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। किसके बराबर होता है? 60 मिनट्स के बराबर, ठीक है। वन डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट्स के बराबर होता है। और वन मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। डिग्री से छोटी यूनिट्स क्या हो गई? डिग्री से छोटी यूनिट्स क्या हो गई? मिनट। और मिनट, और मिनट से छोटी यूनिट क्या हो गई? डिग्री, ठीक है। यहां पे देखिए, मिनट से छोटी यूनिट क्या होगी? सेकेंड। और सेकेंड से बड़ी यूनिट्स क्या हो गई? मिनट, ठीक है। तो ये समझ में बात आई कि नहीं आपको, कि वन डिग्री जो होगा, वन डिग्री को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 60 पार्ट में। वन डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 60 पार्ट में। तो वन पार्ट किसके बराबर होगा? वन मिनट के बराबर होगा। तो 60 मिनट किसके बराबर हो जाएंगे? वन डिग्री के बराबर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, वन रिवॉल्यूशन किसके बराबर होगा? 360। तो वन डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। हम वन डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 60 पार्ट में। बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई कि वन डिग्री कितने के बराबर हुआ? 60 मिनट के। और वन मिनट को फिर फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 60 पार्ट में। उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड। हाँ जी नौसीरत, हेलो, ठीक है। तो ये यूनिट, ये डिग्री सिस्टम में है। तो पहला होता है ए, वन रिवॉल्यूशन कितने के बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। वन डिग्री कितने के बराबर हो गया? 60 मिनट के बराबर होगा। वन मिनट कितने के बराबर होगा? 60 सेकंड के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं रेडियन की, ठीक है। रेडियन, रेडियन इसी को हम सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखिए ये है क्या, अब देखिए कोई अगर सर्कल ऐसा दिया गया, ये देखिए सर्कल, ये एक सर्कल है, इसका रेडियस क्या है? आर है। इसका रेडियस क्या है? आर है, ठीक है। तो वन रेडियन जो होता है, अगर रेशियो ऑफ, देखिए वन रेडियन इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस। ये बात आपको समझ में आई? और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए वन रेडियन, ये दिस इज, ये सिंबल जो है रेडियन का है, रेडियन का सिंबल क्या है? ये सी। तो देखिए वन रेडियन कितने के बराबर होता है? कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे अगर हम ये देखिए, अगर ये आर यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर एल इज इक्वल टू आर होगा, तो ये कितना रेडियन बनेगा? यहाँ पे वन रेडियन बनेगा। कितना रेडियन बनेगा? वन रेडियन बनेगा। अगर टू आर ट्रेवल करेगा तो कितना रेडियन बनेगा? टू रेडियन बनेगा। अगर थ्री आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कितना रेडियस रेडियन बनेगा? थ्री रेडियन बनेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है जसनदीप? यस सर। अब तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ट्रेवल, अगर वन रेडियन किसके बराबर होगा? वन रेडियन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू आर। अगर आर के बराबर हो गया, अगर आर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये देखिए, तो थोड़ा सा हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कि आर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड इज इक्वल टू वन रेडियन, ठीक है। किसके बराबर? वन रेडियन हो गया। अगर टू आर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो कितना बनेगा?
2 रेडियन बनेगा, एंगल कितना बनेगा 2 रेडियन बनेगा। अगर 3 आर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो कितना बनेगा 3 रेडियन बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो yes, ये तो पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करते हैं हम, 2 पाई आर करते हैं ना डिस्टेंस, ठीक है। 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 पाई आर अपॉन आर हो जाएगा। ये देखिए तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना एंगल बनेगा 2 पाई रेडियन, कितना एंगल बनेगा 2 पाई रेडियन। सर नीचे आर कहां से आ गई? देखो यहां पे अभी हमने यही बताना था, E1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर। तो आर को हमने आर से डिवाइड किया था यहां पे, देखो तो आर बाई आर, तो 1 रेडियन बना था, 2R बाई आर किया था तो 2R रेडियन बना था 2 रेडियन, और 3R बाई आर किया था। तो इसको हमने दिखाया नहीं था, मन में ही कर लिया था। ओके सर। तो यानी 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल, 2 पाई आर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, 1 रिवॉल्यूशन होता है। यस सर। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बना 2 पाई रेडियन बना। तो देखिए यहाँ पे तो 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई रेडियन। ये बात समझ में आई? यस। तो ठीक है, अब रेडियन में हमने क्या देखा कि अगर 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो कितना एंगल बनाएंगे 2 पाई रेडियन बनाएंगे, और डिग्री में हमने देखा कि 1 रिवॉल्यूशन अगर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे कितना एंगल बनेगा 360 डिग्री बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। कोई दिक्कत जी यहाँ पे? अब देखिए, अब हम दोनों में रिलेशन देखेंगे। अब देखिए इसमें इससे रेडियन का छोटी यूनिट नहीं होती, हम सबको रेडियन में ही हम मेजर करते हैं, 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन है 4/5 रेडियन ऐसे मेजर करते हैं। जैसे कि जैसे आपने डिग्री में पढ़ा कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, तो इसमें इससे छोटी यूनिट नहीं है। बात आई समझ में? इससे छोटी यूनिट नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत जी आप लोगों को रेडियन और डिग्री में, रेडियन कैसे बना और डिग्री कैसे बना? नो सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू 360 पार्ट है और 1 डिग्री 60 मिनट है, तो मैं कैसे पता लगेगा? हाँ जी देखिए, 1 डिग्री किसके बराबर है 60 मिनट के बराबर है, और 1 मिनट किसके बराबर है 60 सेकंड के बराबर है। अब देखिए दोनों के नोटेशन में डिफरेंट है, दोनों के नोटेशन में डिफरेंट है, देखिए तो है ना, है हाँ। तो इससे पता लग गया, जैसे ऐसा लिखा रहेगा, जैसे आपको अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, आई विल टेक क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है। हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे वो भी हम देखेंगे, और कैसे इसका अप्लाई करेंगे अभी हम देखेंगे जस्ट, ठीक है। डिग्री रेडियन में कोई दिक्कत नहीं है ना कि डिग्री का डिग्री कैसे जनरेट हुआ और रेडियन कैसे जनरेट हुआ। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या था, हम शॉर्ट में लिखते हैं, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये अभी हमने पढ़ा था ना, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसमें कोई दिक्कत है आपको? नो सर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम बात करते हैं, यानी 360 डिग्री किसके बराबर हो गया 2 पाई रेडियन के बराबर हो गया। यस सर। 360 डिग्री किसके बराबर हो गया 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है 2 से डिवाइड कर दें, इसके पहले 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या बन जाएगा पाई रेडियन बन जाएगा। देखिए पाई रेडियन बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? अगर फिर हम 2 से डिवाइड कर दें
तो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू रेडियन बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे अगर थ्री से डिवाइड करें, अगर हम फिर से हम टू से डिवाइड करेंगे ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री बन जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा पाई बाई फोर रेडियन बन जाएगा। देखे तो कोई दिक्कत है यहां तक जी? नो सर। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको इसको अगर थ्री से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई थ्री 60 डिग्री बन जाएगा और पाई बाई थ्री रेडियन के बराबर होगा। देखे तो अगर 180 को 3 से डिवाइड कर दें इसको तो क्या बन गया 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन बन जाएगा। देखिए yes, अगर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन बन जाएगा। कोई दिक्कत जी? अगेन अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 12 हो जाएगा। देखिए तो ध्यान से, पाई बाय 12 डिग्री हो जाएगा, पाई बाय 12 रेडियन। अगर इसमें भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 बाय 2 डिग्री यानी क्या हो जाएगा पाई बाय 24 रेडियन हो जाएगा। ये देखिए तो यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? यहां तक आपको दिक्कत है? नो सर। नो सर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, गुंगा भटिंडा ये कौन है जी? पता नहीं सर, सर लीव कर गया। ओके ठीक है, अब देखिए इससे और भी छोटी यूनिट बनेगी। अगर इसको 15 डिग्री का हो गया 30 60, अगर इसमें मैं अगर यहाँ पे देखिए अगर इसमें मैं 7 से 5 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो कितना होगा 150 डिग्री बन जाएगा। देखिए तो ये किसके बराबर होगा 5 पाई बाई 6 रेडियन के बराबर हो जाएगा। देखिए तो अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6 रेडियन किसके बराबर होगा 150 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगर इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 210 डिग्री बन जाएगा। देखो तो 7 पाई बाई 6 रेडियन। कोई दिक्कत है जी इसमें? नो सर। इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया, ये देखो इसमें 7 3 जा क्या होता है 21, तो 210 डिग्री हो गया और 7 पाई बाई 6 रेडियन बन गया। ठीक है, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये देखो ये क्या हो जाएगा 135 डिग्री बन जाएगा। देखिए तो 45 त्रिज्या कितना होता है 135 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4 रेडियन हो जाएगा। कोई दिक्कत जी इसमें? हेलो, इसमें किसी hello, को दिक्कत? हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 45 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 225 डिग्री हो जाएगा। देखिए तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 45 5 जा 225 डिग्री होता है तो 5 पाई बाई 4 रेडियन हो जाएगा। अब देखिए ये सारी चीजें मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसका एप्लीकेशन इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में या कोई भी बुक आप बनाओगे तो डायरेक्ट अप्लाई होगा। ये कि 30 डिग्री लिखा हो पाई बाई 6 रेडियन मिल जाएगा, कहीं पाई बाई 6 रेडियन मिलेगा तो आप 30 डिग्री समझ लेंगे, पाई बाई 3 रेडियन मिलेगा तो 60 डिग्री समझ लेंगे, 150 डिग्री लिखा हुआ यानी पाई बाई 6 रेडियन लिखा हुआ तो आप तुरंत इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो क्या हम मेमोराइज कर सकती हैं, ठीक है, मेमोराइज कर सकती हैं। ठीक है जी, अब देखिए हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन क्या होगा कि कन्वर्ट क्वेश्चन जो है कन्वर्ट डिग्री
इंटू रेडियन, डिग्री इंटू रेडियन, ठीक है, कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन। अब देखिए बोला जाएगा कि 5 डिग्री को, देखिए क्वेश्चन है 5 डिग्री को, पहला 5 डिग्री कन्वर्ट इंटू रेडियन, कैसे करेंगे जी 5 डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे? तो हम आते हैं सॉल्यूशन इसके, बताता हूं कैसे करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यही हमने पढ़ा था ना, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जी। हेलो, ठीक है, अगर हम इसमें पाई, देखो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन हम अभी हमने पढ़े थे ना, देखिए यहाँ पे तो 360 डिग्री किसके बराबर है, 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो पहले हमने 1 डिग्री निकाल लिया, 1 रेडियन किसके बराबर है, 1 डिग्री 2 पाई अपॉन 360 रेडियन के बराबर है। तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं, पाई अपॉन 180 रेडियन, यानी आप इसको मुमेराइज कर लीजिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए 5 डिग्री निकालना है, तो 5 डिग्री, 5 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 5 हो जाएगा, देखिए तो 5 पाई बाई 180 रेडियन हो गया। कोई दिक्कत जी इसमें, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है जी? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हमारे पास 1 रेडियन है, ये डिग्री में, ऐसे और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको 75 डिग्री दूसरा क्वेश्चन है, कन्वर्ट 75 डिग्री, ट्राई दिस क्वेश्चन, 75 डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन, ट्राई करेंगे जी क्वेश्चन को, 75 डिग्री रेडियन। हाँ जी, तो कैसे करेंगे, ये सिमिलर पैटर्न लगाएं कि 1 डिग्री, वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो 75 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। और 75 को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, देखिए 15 5 जा 5 और 15 12 जा, तो 5 पाई बाई अपॉन 10 अपॉन 12 रेडियन हो गया, रेडियन, यस सर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, यस सर। आप दूसरे टाइप का प्रॉब्लम करते हैं, कन्वर्ट कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन इनटू डिग्री, इनटू डिग्री, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री, 7 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे जी, देखिए यहाँ पे 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री होता है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री अपॉन 2 पाई हो जाएगा, देखिए तो यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा, देखे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा,
इसमें कोई दिक्कत है आपको? नो सर, समझ नहीं लग रहा सर। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया है ना? हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, देखिए एक मिनट, देखिए वन रिवॉल्यूशन जो होता है 2π रेडियन के बराबर होता है, और वन रिवॉल्यूशन, देखिए शुरू से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को कैसे मेजर करेंगे। एंगल को मेजर करने के लिए एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर करेंगे। अगर क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो निगेटिव एंगल मिलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हमें पॉजिटिव एंगल मिलेगा। ठीक है, जैसे ये लाइन, ये एक रे है और ये दूसरी रे है, तो इससे जो एंगल बनेगा, अगर हम इस रे से इस रे की तरफ आएंगे हमें पॉजिटिव एंगल मिलेगा। वहीं पे अगर इस रे से इस साइड से ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें निगेटिव एंगल मिलेगा। अब देखिए एंगल मेजर करने के लिए दो यूनिट्स हैं, एक डिग्री है दूसरा क्या रेडियन है। तो डिग्री को हम सेक्टाजेसिमल सिस्टम बोलते हैं और रेडियन को हम सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। अब डिग्री क्या है कि 1/360 पार्ट ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ ए सर्कल इज नोन एज 1 डिग्री। अगर किसी सर्कल में एक बार चक्कर लगाएंगे तो कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। उसका 1/360 पार्ट 1 डिग्री के बराबर होता है। या राइट एंगल को अगर हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसकी जो सिंगल पार्ट बनेगा वो क्या हमारा होगा? 1 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई? तो वन रिवॉल्यूशन किसके बराबर हो गया? 360 डिग्री के बराबर होगा। और डिग्री से छोटी यूनिट क्या होती है? मिनट। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। और मिनट से भी छोटी यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के बराबर। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियन का। रेडियन इन सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम क्या है कि 1 रेडियन जो होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। यानी अगर इस सर्कमफ्रेंस पे रेडियस के इक्वल आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और उस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो इससे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। जैसे यहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया, ये पी पॉइंट है, ये हमारा क्यू है, तो पी से क्यू तक आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लीजिए एल, लेकिन एल किसके बराबर है? आर डिस्टेंस के बराबर है। अगर रेडियस के बराबर ही डिस्टेंस ट्रेवल किए तो इसके द्वारा जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर। अगर आप यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे 2r डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो 2 रेडियन होगा, 3r डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो 3 रेडियन होगा, अगर 4r डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो 4 रेडियन होगा। तो टोटल सर्कमफ्रेंस पे कितना ट्रेवल किया जा सकता है डिस्टेंस? 2πr। तो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो 2π रेडियन। बात समझ में आई जी? हेलो, बात समझ में? तो देखिए यहाँ से पी से क्यू तक मूव करते हैं और क्यू से r डिस्टेंस से ट्रेवल करते हैं, जब q को से ज्वाइन करेंगे तो एक एंगल बन जाएगा कि नहीं? ऐसे एक आर्क बनेगा, यही बनेगा ना, एक झुकाव बनेगा, इस झुकाव की जो वैल्यू होगी वो 1 रेडियन के बराबर। ठीक है, तो वन रिवॉल्यूशन किसके बराबर होगा? 2π रेडियन के बराबर। अब देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? 360 डिग्री, ये 2π रेडियन के बराबर होगा। तो यहीं से ये हमने, ये जो क्वेश्चन हमने किया कि 2π रेडियन किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। समझ में बात आई जी? हेलो, आगे सर, अर्सनूर, बात समझ में आई? अच्छा, गुड। अब देखिए तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि 7 रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π। तो यहाँ पे देखिए तो 1 रेडियन यानी 7 रेडियन चाहिए, तो 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 रेडियन इज इक्वल टू 180/π/7 डिग्री। ठीक है, अब इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई इज इक्वल टू क्या होता है? 22/7 होता है, एक रेशनल नंबर है पाई। अगर इरेशनल नंबर में आता है, जैसे 22/7 लिखेंगे तो रेशनल ही होगा जब तक हम डिवाइड नहीं, ये क्या हो जाएगा? 180/22/7 × 7 ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे डिवाइड करते हैं, ये देखो 7 रेडियन, तो क्या हो जाएगा ये? 180/22 × 7 × 7 ये डिग्री हो गया।
आप ऐसे छोड़ दी या छोटे एंगल में करना है तो और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए 90 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11। सर आवाज नहीं क्लियर आ रही। हेलो, अब आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, अब आने लगी है सर, क्लियर। तो आप इसे चाहें तो और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको डिवाइड करके और डिग्री में भी ले जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके आप ये इसके डिग्री के बराबर होगा। अब इसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना भी हम सिखाएंगे, ठीक है, वो एक क्वेश्चन लेंगे, फिर आप इसे भी कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, अगर यहीं पे हमें रहता है कि कन्वर्ट 22 रेडियन इंटू डिग्री तो कैसे करते जी? डिग्री, तो यहाँ पे क्या करते, ये देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू, ऑलरेडी पता है 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180/π डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 रेडियन क्या हो जाएगा 180/π/22 डिग्री। कोई दिक्कत जी यहाँ पे? यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए। अब देखिए 22 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/π/22। अब देखिए इसको और हम छोटा कर सकते हैं कैसे, कि 180/22 और पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू क्या होता है 22/7 होता है, ये वैल्यू हम पुट करते हैं 22/7। तो ये तो क्या हो जाएगा, देखिए 180/22/7/22। कोई दिक्कत जी इसमें? 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, यानी 22 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/8 = 56, 12/60 डिग्री। कोई दिक्कत जी इसमें? किसी को दिक्कत? तो इस टाइप से क्वेश्चन हमें मिलेंगे। एक दूसरे टाइप का मैं प्रॉब्लम लेता हूं, कन्वर्ट 45 मिनट 45 सेकेंड इंटू रेडियन। कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन जी? कन्वर्ट 45 डिग्री 45 मिनट 45 सेकेंड इंटू रेडियन। ट्राई करेंगे आप लोग? यस सर। नो सीरत? यस। ट्राई करेंगी? यस। अर्शनूर? यस सर। आज ट्राई दिस क्वेश्चन।
हाँ जी हो गया क्वेश्चन। हेलो ये हो गया, कितना अंतर आया? 1/4 अच्छा। हाँ जी आपसे हुआ जी जसनदीप। हेलो देखिए कैसे करते हैं हम, पहले यहाँ पे देखिए ये 45 डिग्री है, 45 मिनट है, 45 सेकंड है, तो पहले हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 45 डिग्री प्लस 45 मिनट प्लस 45 सेकंड ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं। यस अब देखिए 45 सेकंड इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी 60 सेकंड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री होता है। ठीक है 60 सेकंड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री होता है, यानी 1 डिग्री सॉरी 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 1 सेकंड इज इक्वल टू क्या होता है 1/60 मिनट होता है। देखो तो हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी सर हाँ जी ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि 60 सेकंड इज इक्वल टू क्या होता है 1 मिनट होता है। यस ठीक है तो 1 1 सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/60 मिनट हो जाएगा। यस सर ठीक है तो पहले हम इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसको मिनट में कर ले उसके बाद डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे सबको, उसके बाद वो सेकंड में करेंगे कन्वर्ट फिर। हाँ जी नहीं नहीं मिनट वाला को हम डिग्री में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 45 हो गया तो ये कितना होगा, तो 45 सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45/60 मिनट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3/4 मिनट हो गया। देखिए तो सर समझ नहीं आया ये देखो सर जैसे सर जो हमारा सेकंड वाला है हमने उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। हाँ जी वो तो सर आगे समझ जो हमने ये स्टेप करके दिखाया वो समझ आ गया इसे। हाँ जी मैं क्या बोल रहा हूँ तो सर जो हमारा जो 45 मिनट वाला है हाँ हाँ सर आपने उससे तो कन्वर्ट नहीं किया, वो मिनट में ही रहेगा सर। नहीं नहीं उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे लेकिन सेकंड से मिनट में फिर मिनट से डिग्री में आएंगे एक साथ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है ओके सर ओके। हाँ जी तो देखिए हमने इसे क्या किया 45 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा 45/60 मिनट हो गया 45 सेकंड इज इक्वल टू यानी क्या होगा 3/4 मिनट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 3/4 मिनट, कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। ठीक है अब देखिए हम 45 डिग्री एजिटी रखते हैं, 45 मिनट प्लस 3/4 को हम एक साथ रखते हैं। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री ये देखिए यहाँ पे 4 यानी क्या हो जाएगा 180 प्लस 3 मिनट हो जाएगा। ये देखिए तो 45 डिग्री प्लस 183/4 मिनट हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे सर आगे। ठीक है नेक्स्ट में देखिए अब ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 183/4 मिनट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है क्योंकि 60 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिग्री होता है, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। पीछे करना हेलो हाँ जी बोलो हेलो हाँ हेलो हेलो सर ये 180 एलसीएम ले आके। हाँ जी एलसीएम लेकर मैंने की एलसीएम ले लिया। सीधा ही सर सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं सर 4 को 45 से फिर भी तो 180 है एलसीएम के लिए। हाँ जी हाँ जी वही बात ओके मुझे लगा 4 एस है सर। नहीं 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 ठीक है अब देखिए तो यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/60 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक जी? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ओ सर हाँ जी अब ये 183 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 183/4 मिनट को 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए तो
ये डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 183/240 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा टोटल 45 डिग्री प्लस 183/240 डिग्री, आप इसे ऐड कर लेंगे, जो अंतर आएगा वही अपना क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे करना, एलसीएम लेना पड़ेगा लास्ट का जो 45 ब्रैकेट में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए ये भी थोड़ा कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 3 से डिविजिबल है, तो 3 सिक्स जा, 3 वन जा, 3 एट जा, ऐसा हो गया 81/80 डिग्री हो जाएगा, 61/ ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 61/80 डिग्री, ठीक है। फिर एलसीएम लेके आपको कन्वर्ट करेंगे, जो आएगा वो डिग्री आ जाएगा। ओके सर, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे कभी, जिससे आपको मिनट में रहेगा, सेकंड में रहेगा, उससे आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, और कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करना होगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप के, सर वैसे आंसर क्या आ रहा है, 61/80 आ रहा है। हाँ, 61/80। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत आपको, इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। हाँ जी, ऐसे ही रेडियन में भी गिवन रहेगा, तो उसे हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो कभी कभी ऐसी ऐसी वैल्यू आपको आ जाएगी जिसे आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, मिनट में फिर डिग्री में कन्वर्ट करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 4 रेडियन है, अगर 4 रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखें एक और एग्जांपल देखते हैं, कन्वर्ट 4 डिग्री, सॉरी 4 रेडियन, कन्वर्ट 4 रेडियन इनटू डिग्री, ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन जी। हाँ जी नौसीरत, बात समझ में आई? यस संदीप, यस सर, यस सर। हाँ जी, 4 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कैसे करेंगे सर? वही 1/60 डिग्री वाला सर मेथड करके। हाँ जी, देखिए अब देखिए 4 रेडियन है, तो देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180/π डिग्री होता है, देखो तो याद है, ये याद है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 180/π डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता, 180/π डिग्री होता। अब देखिए यहाँ पे 4 रेडियन है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 180/π हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो 4 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 × 4/π, ये डिग्री हो गया। अब इसको पाई को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 22/7 में, तो 180 × 4/22 × 7 ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो। यस सर, ठीक है। अब देखो 22 को अगर हम 4 से, तो 2 और 11 ऐसे बन जाएगा, तो देखिए 180 × 40/11 ऐसा बन जाएगा, देखो तो। यस सर, ठीक है। अब आप इसे ऐसे कर सकते हैं, 720/11 ऐसा बन जाएगा। अब इसे हमें डिग्री में लिखना है, तो देखिए 720 को हम डिवाइड करेंगे ऐसे, 720 को 11 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, रिमाइंडर 5 बच जाएगा ना जी। यस yes. तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 65 डिग्री प्लस
फाइव अपॉन इलेवन डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके सर, कोई दिक्कत है जी? कोसेंट प्लस रिमाइंडर में लिख दिया। अब देखिए फाइव बाई एलेवन, अब देखो वन डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है। वन डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है। यहाँ पे फाइव अपॉन एलेवन डिग्री है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू फाइव बाई एलेवन हो जाएगा ये मिनट। देखो तो ये क्या होगा, 300 अपॉन 11 मिनट हो गया। अब 300 को 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 11 टू जा 8, 11 7 जा 77, 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 300, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 बाई 11 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 मिनट प्लस 3 बाई 11 मिनट हो जाएगा। देखो तो, हेलो हेलो सर, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 3 बचा। हेलो, रिमाइंडर क्या बच गया, 3। तो 27 मिनट हो गया अपॉन 3 रिमाइंडर, 3 बाई 11 मिनट, यानी आप इसको 65 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 3 बाई 11 मिनट आप लिख सकते हैं ऐसे। यस सर, ठीक है। अब 3 हमारा 5 अपॉन 11 डिग्री है, वो नहीं लिखेंगे सर? नहीं नहीं, डायरेक्ट ऐसे हम नहीं लिखेंगे, हमें मिनट, देखो डिग्री से छोटी यूनिट क्या होती है मिनट, और मिनट से छोटी यूनिट क्या होती है सेकंड, तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ना, पॉइंट में नहीं लिखेंगे यहाँ पे। बात आई समझ में? ओके सर, तो इसलिए हम ऐसा करें। अब देखो 3 बाई 11 है, तो अब देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड, तो यहाँ पे 3 बाई 11 है, 3 बाई 11 है, तो 3 बाई 11 मिनट को हम क्या ले सकते हैं, 60 इंटू 3 बाई 11, यानी क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 11 सेकंड हो जाएगा। अब इसको फिर से 180 को 11 से डिवाइड कर देंगे, 180 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 66 बन गया, ये 4, तो ऐसा बनेगा 16 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बन गया, 16 सेकंड, फिर 4 बज जाएगा तो फिर पॉइंट में आएगा, तो डायरेक्ट हम इतना ही तक लिख सकते हैं, ठीक है। बात आई समझ में जी? सर हाँ जी। अच्छा, एक गलती यहाँ पे हो गई है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बताओ किसी? सर इधर रेडियन लिख रहा था। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो 14 से मल्टीप्लाई करना था, हमने 4 से मल्टीप्लाई करके कर दिया, एक छूट गया यहाँ पे, ये 1 छूट गया है, देखो छूट गया है ना, कहाँ सर? ये देखो ना, 180 से 14 से मल्टीप्लाई करना था ना। यस सर। तो हमने क्या लिख दिया, 720 लिखा है, 14 से मल्टीप्लाई करता, हमने 4 से किया, 1 से नहीं किया। यस सर। अभी टाइम है ना आप लोग के पास, 5 मिनट दे दोगे, कंप्लीट कर दें इसे? यस सर। यस सर, ये देखो पूरा मिटा देता, शुरू से करा दो सर। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है। देखिए तो ये क्या हो गया, 180 इंटू 14 अपॉन 11, यहाँ पे कोई दिक्कत जी इसमें? अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड करो, इतना डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये देखो 180 इंटू 14, ये हो गया, फिर से
2520 ठीक है, इतना आएगा ना जी, सही है जी, चार ये इतना बनेगा ना जी, नो सर जी 2520 बने, ये बनेगा ना, यस सर। तो यहाँ पे क्या बन गया 2520 बाई 11, ये डिग्री बन गया। अब इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2520 को हम 11 से करेंगे तो 11 टू जा क्या हो गया 22, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2, कोई दिक्कत, फिर 2 में जाएगा, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये देखो 22 ये आ जाएगा 10, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 9 टाइम चला जाएगा, ये हो गया 99, 1 बच गया, तो क्या हो गया 229 डिग्री प्लस 1 अपॉन 11 डिग्री, कोई दिक्कत है जी, हेलो हेलो, यहाँ पे कोई दिक्कत है। अब देखिए 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट, कोई दिक्कत है यहाँ पे, देखिए 1 रिमाइंडर बच गया, नो सर, ठीक है, तो 1 बाई ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 1 बाई 11 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 60 × 11, 60/11 हो जाएगा, इतना मिनट हो जाएगा, 11 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 5 + 5/11 मिनट हो जाएगा, देखो तो 5/5/11 मिनट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत जी यहाँ पे, देखो 11 5 जा 55, तो 5 रिमाइंडर बन जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/11, हेलो हेलो, हाँ जी, यहाँ पे कोई दिक्कत जी, नो सर। अब देखो 1 फिर मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 सेकंड, 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 सेकंड, हाँ जी, तो फिर हमने अप्लाई कर दिया 5/11 मिनट इक्वल टू 5 × 60/11 सेकंड, ये बन गया, यस सर, 300/11 सेकंड हो गया, ठीक है, 300/11, अब फिर 300 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो 11 टू जा 22, फिर क्या आ जाएगा 80, तो क्या 11 से बन जाएगा 7, ठीक है, फिर 3 आ जाएगा, तो हम यहीं तक कर लेंगे, तो यानी क्या होगा 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड अप्रोक्सीमेट, ठीक है, एग्जैक्ट तो वैल्यू हमने निकाला नहीं, बात आई समझ में, तो इसलिए हम अप्रोक्स लिख देंगे, हाँ जी, यहां तक बात समझ में आई, यस सर। तो कभी कभी इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे जिसे हमें करने पड़ेंगे, ठीक है, तो आज आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर सकते हैं जो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने वाले, ठीक है जी, एनसीईआरटी के सर, एनसीईआरटी के, इसके अलावा तो कल हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे, तो आप लोगों को मैं डीपीपी भी दूंगा, ठीक है, और इस पे बेस्ट, हाँ जी बोलो सर, क्लास इस टाइम ही होगी कल को भी, हाँ जी इसी टाइम पे होगी, ओके सर, 210 पे, हाँ 210 पे, और मैं और भी कुछ और क्वेश्चन भी लेंगे इस पे बेस्ट, ठीक है, तो आज आप लोग जो हमने शुरू से एक पढ़ाया कि डिग्री और रेडियन, ये आप देख लीजिए, ठीक है, डिग्री मेजरमेंट करने के 2 यूनिट होते हैं, एक डिग्री होता है, एंगल मेजरमेंट के 2, एक डिग्री सिस्टम होता है, एक रेडियन सिस्टम होता है, ठीक है सर, फिर, सर स्टार्टिंग से फर्स्ट पेज करना, सर मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, मैं नोट्स बना लूंगा ना फिर, अच्छा देख लो जी, अगला पेज कर दो, सर अगला, अगला
सेम मेमोराइज कर।